काले रंग की वस्तुएं ऊष्मा को शीघ्र अवशोषित तथा उत्सर्जित करती हैं। मानव शरीर की थायमस नामक ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है। ध्वनि तरंगें, अनुप्रस्थ तरंगें अर्थात ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य नहीं सुन पाता। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। नाक, कान, आंख तथा गले की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। हैजा आंत को प्रभावित करता है। डिप्लोकोकस जीवाणु से निमोनिया होता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आए तो सूर्य ग्रहण लगता है। परम शून्य ताप पर गैसों का आयतन शून्य हो जाता है। अधिवर्ष, चंद्रमा, चंद्रमाह तथा प्रकाश वर्ष समय के मात्रक हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुधैर्य अर्थात लोंगिट्यूडिनल होती है। नदी में तैरता जहाज समुद्र में पहुंचते ही थोड़ा ऊपर उठता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व अधिक होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है। पराश्रव्य अर्थात अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन्हें मनुष्य सुन नहीं पाता है। केल्विन मान में जल का गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। खाद्य तेलों को वनस्पति घी में बदलने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। एचआईवी का संबंध एड्स से है। टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है।